क्या नाम है बेटा आपका? सर तानिया सिंह। अच्छा तानिया, आपको CBSE 12वीं की परीक्षा में आपने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं, ये मुकाम आपने किस तरह से हासिल किया? सर टीचर्स का सपोर्ट है सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है, और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ही अचीव कर पाई हूँ। अच्छा किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे एग्ज़ाम को लेकर के, क्या आपका टाइम शेड्यूल था, किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते थे? सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है, और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो भी। अच्छा भविष्य को लेकर के आप क्या सोचती हैं, किस तरह का फ्यूचर आप देखना चाहती हैं? सर मैं UPSC क्लियर करना चाहती हूँ, मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं IAS ऑफिसर बनूँ, यही है। इस मुकाम में जो बताया जाता है कि शिक्षकों का एक शानदार प्रदर्शन होता है, तो शिक्षकों के बारे में आप और स्कूल स्टाफ के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये स्कूल बेस्ट है, इस दुनिया में बेस्ट है, मैं सच कह रही हूँ, ये बहुत अच्छा स्कूल है, और टीचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, सबके इतने अच्छे मार्क्स सिर्फ टीचर्स की वजह से ही आए हैं। अगर टीचर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हमारे साथ इतनी मेहनत नहीं करते, तो हम सबके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। और सब प्रिंसिपल सर, मैं ये कह रहा हूँ पढ़ाई तो सभी में ही होती है, क्या यहाँ कोई अलग तरीके से मेथड्स हैं जो उनको समझाया जाता है? सर यहाँ मेथड्स भी बहुत सारे, यहाँ टेस्ट काफ़ी सारे होते हैं, टेस्ट वीकली टेस्ट, देन प्री बोर्ड टेस्ट सीरीज, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, तो सर जब हमारी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। घर का माहौल किस तरह से, परिवार वाले किस तरह से आपको प्रोवाइड कराते थे? सर जब भी मैं पढ़ती थी तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, और जब मेरा पूरा हो जाता था तभी लोग सब मुझसे पूछने आते थे कि बस हो गया, तभी आते थे, कोई डिस्टर्बेंस। मैं ये कहना चाहूँगा तानिया इस बार बहुत मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है 500 में से 500 नंबर, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे लिए सभी बच्चे बराबर हैं और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का एक नंबर कम है, उससे ये कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि एक जो है बच्चा बहुत अच्छा है और दूसरा जो है कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मेरे स्कूल में ये रिजल्ट पिछले 3 साल से लगातार है और हम पिछले 3 साल से CBSE टॉपर रहे हैं, जिसमें के बच्चों के 500 में से 500 नंबर आए हैं, और मेरे यहाँ जो आसपास जो बच्चियाँ खड़ी हैं इनके 499 मार्क्स हैं आउट ऑफ 500, तो मेरे लिए ये सभी बच्चे 500 में से 500 हैं और सबका परफेक्ट स्कोर है, और मुझे बड़ी खुशी है और प्रसन्नता है। सर तानिया के विषय में अगर मैं आपसे पूछूँ कि तानिया के पास 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्टों में उसको 500/100 मिले हैं और 1 सब्जेक्ट में उसके 98%, तो आप कैसे कैटेगराइज करेंगे कि ये ही टॉपर है? मैं इसको क्योंकि CBSE में पास होने के लिए और जो मिनिमम सब्जेक्ट होते हैं जिसमें इंग्लिश कंपलसरी होता है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसके 5 में 500 में से 500 नंबर हैं, इसीलिए मैं कहूँगा कि ये बच्चे के जो है इसी इज़ द टॉपर और इसके 500 में से 507% मार्क्स हैं। एक इसने एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, मान लीजिए उसमें अगर नंबर कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा किस तरह का माहौल बच्चों को दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है? बस मैं यही कहूँगा कि यहाँ हमारे यहाँ सभी टीचर्स खेल खेल में ही बच्चों को पढ़ाते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, तथा बार बार टेस्टिंग और उनकी समस्याओं का समाधान, ये एक सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है कि जब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको एटलीस्ट एड्रेस किया जाए, वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। गुप्ता है, आप BPS में पढ़ती हैं, आप कितने में से कितने अंक मिले? मेरे को 500 में से 499 अंक मिले हैं। अच्छा ये जो आपने सफलता हासिल की है किस तरह से की है और कितनी स्टडी आप करते हैं? मेरा स्टडी का कोई टाइम टेबल तो नहीं था, मैं ये कहूँगी कि बच्चे को पढ़ना चाहिए, डेली कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए, भले वो 1 घंटा हो 2 घंटा हो, कि 12th का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है कि हम 24 घंटे पढ़ के नंबर आएंगे। सो बहुत फ्लेक्सिबल टाइम टेबल था मेरा, और अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूँ तो वो ऑब्वियसली स्कूल को, प्रिंसिपल सर और हमारे टीचर्स को, स्पेशली हमारे क्लास टीचर, उन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ, एंड फिर एट दी एंड माय पेरेंट्स, क्योंकि वो कांस्टेंट सपोर्ट घर पे रहती थी कि हाँ भाई बच्चे को पढ़ना है तो एनवायरनमेंट देना है। तो भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है?
भविष्य को लेकर मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है और मैं आईएएस बनना चाहती हूँ जिससे मैं सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन दे सकूँगी। मेरा नाम नेहा सोलंकी है और मुझे 500 में से 498 अंक मिले। टाइम मैनेजमेंट मेरा भी बहुत फ्लेक्सिबल था क्योंकि मैं खुर्जा से हूँ तो मेरा आना जाना रहता था, थोड़ा उसमें भी टाइम लगता था तो मैं उस हिसाब से अपना टाइम फ्लेक्सिबल रखती थी। मेरा नाम राधिका अग्रवाल है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल बुलंदशहर से हूँ। CBSE क्लास 12th में मेरे 499 आए हैं 500 में से। अच्छा, ये जो सफलता आपने हासिल की है, कितनी स्टडी आप करते थे, क्या मैनेजमेंट था टाइम का, किस तरह से मैनेज करते थे टाइम? आई वुड से मेरा पढ़ाई का ये ऐसे कोई बहुत फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि इतने ही घंटे पढ़ा, इस टाइम पे पढ़ा। अगर मुझे कभी भी लग रहा है कि मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं थोड़ा छोटे छोटे पता 15 मिनट का ब्रेक ले लिया। कभी ये नहीं था कि आज रात हो गई तो नहीं, लाइक पढ़ने का मेरा कभी ये नहीं था कि मैं रात में पढ़ती हूँ या दिन में पढ़ती हूँ, मैं पूरे टाइम लाइक ये था कि कभी भी पढ़ सकती हूँ, केवल अपना पूरा होना चाहिए एक दिन का टारगेट। मेरा नाम दीपिका बंसल है और मुझे 500 में से 497 नंबर आए। अच्छा, ये जो इतना बड़ा स्कोर आपने किया है ये किस तरह से आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल की क्लासेस, टीचर्स का सपोर्ट एंड कंसिस्टेंसली आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है। और अगर आपको कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रेशराइज हो रहा है तो अपने ब्रेन को ओवर प्रेशराइज मत करिए, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए और अपना स्टडी अपने अकॉर्डिंगली करिए। जितना आपको लगता है आपके टारगेट्स हैं, जितना आपका टाइम पीरियड आप मतलब कोप अप कर सकते हैं आप उतना करिए और आपके सारे गोल्स पूरे होंगे।